उन्होंने कहा राहुल गांधी हमारा बैंड बजा रहे हैं। जिस बंदे का खुद बैंड बजा पड़ा है वो दूसरे का बैंड बजा सकता है क्या? आप बताइए, हर जगह बेचारी की बैंड बजी पड़ी है, वो दूसरे की बैंड बजा सकता है क्या? क्या हुआ कर रही है? शांति से सुनिए, बीच में ये सब आवाज मत निकालिए, शांति से सुनिए। नहीं नहीं बैठ के सुनिए, मैं आपके से मुंह आ नहीं कर रहा था। सुनिए यहाँ पे तरह तरह के मुंह बना के यहाँ पर आवाज निकालती रहती है, आप सुनिए यहाँ पे। पहले बैंड किसका बज रहा है पूरा देश जानता है, और राहुल गांधी का अकेले की बैंड नहीं बज रही है, पूरे कांग्रेस पार्टी की लुटिया भी डुबो रखा है और बैंड भी बजा रखा है। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया, मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए, ये जबान संभालना फालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंतर नहीं है हिंदुस्तान, इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया। आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं आर्टिकल 370 कैसे हट सकता मेरे है। सवाल का वीडियम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, दे रहा हूं सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे? नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसका उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे? सत्ताईस फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को मुसलमानों की खतरनाक भीड़ ने आग लगाकर जला दिया था, जिसमें 59 कार सेवक मारे गए थे, जिसके कारण पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम में दंगे भड़क चुके थे, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 1180 थी और अल्पसंख्यक लोग ज्यादा थे। इस घटना पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को दोषी ठहराया और कांग्रेस और विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग होने पर अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे दिया और पूरे देश में राष्ट्रपति को शासन करना पड़ा। दोबारा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 127 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2002 अप्रैल में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच भेजी ताकि पता चल सके कि इसके पीछे मोदी का हाथ तो नहीं था। 2001 में गुजरात में भयानक भूकंप आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्य से नाखुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी ने काफी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। मोदी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई।
देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की कमी दूर हुई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया। मोदी के कार्यालय में गुजरात में बेरोजगारी काफ़ी कम हुई और महिलाओं की सुरक्षा में काफ़ी मजबूती आई। इन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत का कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई विदेश यात्राएं की और भारत की छवि संपूर्ण विश्व में मजबूत की। इसी कारण विदेशों द्वारा भारत में काफी निवेश हुआ। मोदी ने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी अच्छे संबंध बनाए। मोदी ने जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारत में काफ़ी विकास हो रहा है।